गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94। और मैं यश। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह की समस्याएं हमारे देश में चल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नागरिकों को स्तब्ध कर दे रही हैं, दुखी कर दे रही हैं। कुछ चंद लोगों की लापरवाही की वजह से हमारे देश के तमाम उन लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तबलीगी जमात के उन सदस्यों के द्वारा जो लोग हमारे देश के जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके साथ किस अभद्रता और अश्लीलता का परिचय दे रहे हैं। कल एक वीडियो हमने देखा जिस अभद्रता के साथ एक तबलीगी जमात का जो सदस्य था हमारे देश के पुलिस के ऊपर थूक दिया, और तमाम नर्स के ऊपर कह सकते हैं अश्लील हरकतें, अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में एक मैसेज जाएगा कि जब हमारा पूरा देश एक ऐसी भयानक बीमारी से लड़ रहा था, तो हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग, ऐसे शख्सियत भी थे कि हमारे देश को आंतरिक रूप से तोड़ने का कार्य कर रहे थे। अब सोचिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कनिका कपूर से भी तो लखनऊ में संक्रमण फैला था। तो हम आपको एक फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, खांसी हो गई, एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि कनिका कपूर ने भी तो ये किया था। जी नहीं, कनिका कपूर ने ये बिल्कुल नहीं किया था। कनिका कपूर जहाँ जहाँ गई थी उन्होंने सारी बातों को सार्वजनिक किया, सरकार के साथ साझा किया, उसके बाद अपने आप को क्वारंटाइन किया, आइसोलेट किया और उनका उपचार किया गया। पर दोस्तों, ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं किस तरह से सरकार की नज़रों से भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जो उद्देश्य है, जैसे डर लग रहा है सुन के कि आखिर ये इनका उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार के कामों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मौलाना जो शायद हैं, साध, क्या नाम उनका, साध ही तकरीबन है, वो कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। और जिस तरह से उनका ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, मुसलमान और इस्लाम, इसीलिए आज पूरी दुनिया में जो उनके मानने वाले थे, जो उनके फॉलोअर थे, उनकी संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि ऐसे लोगों को आप किस तरह से फॉलो करते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मुसलमान मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है, यदि कोरोना हमें आता भी है तो इससे पाक जगह क्या होगी। मतलब आज सुरक्षा ही बचाव है, किस तरह से जो फिजिकल डिस्टेंस है, जिसे आप सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं, उसे लोग अमल में ला रहे हैं और आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, झूठी बातें परोस रहे हैं। तो ये समस्याएं जो हैं, जब तक इन पे हमारे देश के प्रत्येक लोगों का साथ चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, आप लोगों को भी इन ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए जिन लोगों की वजह से आज पूरी देश की जनता एक ऐसे मजधर में फंसी हुई है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं कि कैसे ही दोस्तों तकरीबन 2500 तक इस समय संक्रमित व्यक्तियों की संख्या पहुंच गई है, और वो जो 687 नए मामले आए हैं, वो पूरी तरह से ये जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का हमें डर था, जो दोस्तों तबलीगी जमातियों के कारण हुआ है। सॉरी फॉर। देखिए, यहाँ पर चलते हैं आगे, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तलवार का घाव भर सकता लेकिन तीखे शब्दों का नहीं। तो यदि आप किसी से बात व्यवहार कर रहे हैं तो कुछ बोलने से पहले, कुछ अपशब्द कहने से पहले इतना ज़रूर याद रखिएगा कि उस व्यक्ति के ऊपर इन शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी को थप्पड़ मार दिए हैं तो इंसान वो सह लेता है, पर अगर आप किसी को गाली दे देते हैं ना, किसी को ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जो तलवार से भी भयानक होता है। ठीक है, चलते हैं। दुराग्रह से बाज ना आया पश्चिम मीडिया। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पे लेखन शैली होती है, जिस तरह से हम चीज़ों को एलेबरेट करके बताते हैं, यदि आप उसको संयम से और सही तरीके से सुन रहे हैं, तो आप कभी भी कहीं भी यदि आप डिबेट करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे किसी व्यक्ति से, तो अपनी इन सारी बातों को उसके सामने रखिएगा। इन विषयों को रखने के बाद वो ये ज़रूर कहेगा कि जो व्यक्ति है, जो सामने वाला है, वो पढ़ा लिखा है। जब आप उसके सामने ये सारी बातें
रखेंगे, क्योंकि जानते हैं जब आप मीडिया में देखते हैं, जैसे न्यूज़ में देखते हैं, तो सारी बातें नहीं दिखाती है कोई। आज हमारा देश वैसे भी तमाम मुश्किलों में घिरा हुआ है, ऐसे में जो मीडिया है किस तरह से हमारे देश की जनता को गुमराह कर रही है, ये आप लोग भी जानते हैं। जैसे मीडिया का काम ये होता है सही गलत बताना, पर या तो सही बता रही है, या तो गलत बता रही है, या तो लोगों को गुमराह कर रही है। तो ये जो उसकी जो मानसिकता बन गई है मीडिया की, वो पूरी तरह से पैसों पर आश्रित हो गई। जो पैसा फेंकेगा उसके बारे में बताएगी। अब देखिए आगे चलते हैं। पश्चिमी मीडिया के एक बड़े हिस्से का भारत के प्रति दुराग्रह छिपा नहीं, उसने कभी हमारे देश का सामर्थ्य तो स्वीकार नहीं किया। किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत द्वारा उठाए गए सख्त कदमों को लेकर पश्चिमी मीडिया का एक बहुत एक हिस्सा दुराग्रही हो जाएगा, और वह भी तब जब उनके अपने देशों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मंगलवार को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य सलाहकारों ने कहा कि वहां कोरोना के कारण 1 से 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। ट्रंप ने भी कहा कि अगले 1-2 हफ्ते बहुत भारी साबित होने वाले, माना जा रहा है कि शुरुआती लापरवाही के चलते ही अमेरिका में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन लॉकडाउन से परहेज कर रहा है, जबकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यह बेहद ज़रूरी है। इटली और स्पेन में मौतों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। ईरान, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा तमाम अन्य देश भी इसकी चपेट में हैं। भारत सरकार ने शारीरिक दूरी को लेकर जागरूकता और व्यापक स्तर पर संदिग्ध कोरोना मरीजों की छानबीन का अभियान छेड़कर निर्णायक पहल की। 22 मार्च को प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के रूप में एक तरह का मॉक ड्रिल करवाया, और फिर 24 मार्च को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का फैसला लिया। आज आपको बता दूं दोस्तों, यही तबलीगी जमात के लोगों को हमारे ही देश की मीडिया किस तरह से संरक्षण करने में लगी हुई है, ये सबके लिए खतरे का विषय बनता जा रहा है। जब तक तबलीगी जमात के लोग देश के सुरक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, देश के तमाम उन एजेंसियों के साथ जो दिन रात कार्य कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर कौन कौन व्यक्ति संक्रमित है, जब तक उनके साथ ये जानकारी साझा नहीं करेंगे कि हम कहाँ गए थे, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हमने ऐसा किया, तब तक देश की स्थिति नहीं सुधर सकती। तो इन लोगों से कम इतनी निवेदन है कि आप ऐसा न करें जिससे हमारे देश की जनता कह सकते हैं गर्त में चली जाए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और राष्ट्रीय संस्थानों मीडिया के साथ मिलकर हाथ धोने, शारीरिक दूरी, संदिग्ध मरीजों की छानबीन को लेकर अभियान छेड़ा। सरकार ने हफ्तों पहले ही फैसला कर लिया था कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उसने भारत आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य किया। इसके साथ ही इटली और ईरान जैसे कोरोना हॉटस्पॉट वाले देश से आने वाले लोगों को अर्धसैनिक बलों द्वारा चलाए जा रहे शिविरों में भेजा गया। आंकड़ों से तस्वीर और स्पष्ट होती है, दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, और भारत की 130 करोड़ की आबादी में इसके लगभग 2,000 मामले ही सामने आए हैं। इसके उलट अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, लेकिन वहां संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यह अंतर बहुत कुछ स्पष्ट करता है। यूरोपीय देशों की स्थिति भी इतनी ही भयावह है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मामले में भारतीय नीति निर्माता चीन, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के तौर तरीकों से अधिक प्रभावित दिखते हैं। दूसरी ओर अमेरिका में तमाम लापरवाहियों की बात सामने आ रही है। न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो स्वास्थ्यकर्मी के लिए उपकरण और मरीजों के लिए वेंटिलेटर मांगने के मामले में गिड़गिड़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मरीजों को वेंटिलेटर साझा तक करना पड़ा। न्यूयॉर्क शहर में हालत बेहद भयावह हो गए हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए भारत को आईना दिखाने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार अपने खुद के शहर को लेकर बेखबर दिखती हैं। इस अखबार को भारत के 21 दिनों के लॉकडाउन में खोट ही खोट नजर आ रही है। उनका कहना है कि इस फैसले से पहले ही से सुस्त अर्थव्यवस्था और तबाह हो जाएगी। अखबार ने जेएनयू के एक प्रोफेसर के हवाले से लिखा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 50% कामगार बर्बाद हो जाएंगे। पश्चिमी मीडिया की भारत के प्रति दुराग्रह की भावना इतनी मजबूत है कि देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र, राज्य और विभिन्न संस्थानों द्वारा किए जा रहे अनुकरणीय प्रयासों की वह आंखें मूंदे हुए हैं। 130 करोड़ की आबादी में कोरोना संदिग्ध लोगों की तलाश सागर में अंगूठी तलाशने जैसी है। इसके बावजूद देश की विभिन्न एजेंसियां पूरे मनोयोग से इस मुहिम में जुटी हुई हैं। यह उन तमाम विकसित देशों के लिए सबक है जिनके शिथिल रवैये से वहाँ हालात नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। पर
पश्चिमी मीडिया भारत में लॉकडाउन से प्रवासी मजदूरों की भूख से मौत होने की आशंका की जो तस्वीर दिखा रहा है वह बकवास ही है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम अपने अखबार की संपादकीय टिप्पणी ही पढ़ लें जिसमें ट्रंप पर हमलावर होकर लगातार लिखा जा रहा है कि इस महामारी का सबसे भयावह मंजर सामने आना अभी शेष है। स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह सुने। जिस तरह की निगेटिविटी पश्चिमी मीडिया बना रही हमारे देश को लेकर, तमाम अफवाहें फैला रही हैं यहाँ के मजदूरों के लिए कि लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति का बहुत बुरा हाल होने वाला है, तो ऐसे बेवकूफ़ आते कहाँ से भैया? आपको पता होना चाहिए आज पूरी दुनिया वहीं तक सिमट के आ गई है जहाँ पे उसे होना चाहिए। जितने लोग विकास के तमाम तरह के दावे कर रहे थे, किस तरह से कोरोना वायरस की वजह से सारे लोगों की कमर टूट गई है। और आज अपने देश में नहीं देख रहा वेस्टर्न मीडिया कि अमेरिका में तकरीबन वहाँ का जैसे राष्ट्रपति कैसे कह दिया कि 1 से 1.5 लाख मरने की आशंका है और ऐसे में आने वाला जो हफ्ता है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का होगा। वहाँ की चीज़ों का ना सार्वजनिक करके हमारे देश को, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि इनकी जो मंशा है, जो इनका उद्देश्य है, ये यही है कि दोस्तों जैसे ही लॉकडाउन ये हटाएं और भारत पूरी तरह से तबाह हो, बर्बाद हो जाए, इनकी आधी आबादी ख़त्म हो जाए। क्योंकि जो पश्चिमी मीडिया हमेशा यही सोचती रहती हैं कि जो देश के आधे ज़्यादा संसाधनों पे चाइना और भारत है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की जनसंख्या जहाँ 33 करोड़ है, हम भारतीयों की संख्या 130 करोड़ जनसंख्या है। तो ऐसे में ये लोग यही सोच रहे हैं, ऐसी मंशा रख रहे हैं कि ये लोग तबाह हो जाएं। अखबार कहता है कि अमेरिकी प्रशासन का ढुलमुल रवैया मददगार नहीं होगा। मोदी के 21 दिवसीय लॉकडाउन पर न्यूयॉर्क टाइम्स की सभी रपट नकारात्मक रही है। इसके अलावा वाशिंगटन पोस्ट और अन्य पश्चिमी न्यूज एजेंसियां भी सरकारी फैसलों की व्यापक रूप से आलोचक रही हैं। ऐसे में सरकार करे तो क्या करे? यही मीडिया संस्थान खौफ फैला रहे हैं कि यदि भारत ने एहतियात नहीं बरती तो देश में करोड़ों लोग इस वायरस के शिकार बन सकते हैं। अफसोस की बात है कि भारत में भी मीडिया का एक तबका इसी एजेंडे पर काम कर रहा है, क्योंकि वह मौजूदा प्रधानमंत्री से बैर रखता है। वास्तव में इनमें से तमाम साध ही मन यही आस लगा रहे हैं कि भारतीय आपदा से निपटने में भी नाकाम हो जाएं, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री पंगली उठाने का मौका मिल जाए। कुल मिलाकर हम किसी गफलत में न रहें, भारत के बारे में पश्चिमी मीडिया के अपने राजनीतिक एजेंडे पर काम करने वाले संवाददाताओं की तुलना में केंद्र और राज्यों की राजनीतिक नीति तो अन्य संस्थान ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अमेरिकियों को अपने ग्रह नक्षत्रों का ध्यान धन्यवाद अदा करना चाहिए कि ये पत्रकार उनकी सरकार को सलाह नहीं दे रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी को उस टिप्पणी को याद रखना चाहिए कि अगर ये 21 दिन ही नहीं संभले तो हमें 21 साल पीछे चले जाएंगे। इसके साथ ही हमें पश्चिमी मीडिया से कहना चाहिए कि भारत सुरक्षित हाथों में और अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, इस खेल का जो उद्देश्य था, कहीं न कहीं जो पश्चिमी मीडिया है वो ये पूरी तरह से सोच रही है कि चाइना और जो भारत है वो जिस तरह से अपने आप को लॉकडाउन करके चीज़ों पे एक तरह से कंट्रोल कर ली हैं, जो समस्याएं समझ चरम पर हैं, इससे क्या है कि वो काफ़ी उनके अंदर जलन है। वो तो इस तरह की चाह आज से नहीं, बहुत पहले से रख रही हैं, उनका पहले से ही मनसूबा है। यदि हम कमज़ोर हो रहे हैं तो हमसे इतना कमज़ोर हो जाएं कि कहीं दिखें तक ना, तभी तो हम राज करेंगे। क्या कोई बराबर के ऊपर कोई राज कर सकता है? नहीं, एक बड़ा एक छोटे के ऊपर, ठीक। तो वही चीज़ है। अब एक चीज़ और है और ज़रूरी साबित होता है NPR, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन तमाम लोगों के मुंह पर कालिक पोतने के बराबर है, उन तमाम लोगों के ऊपर तमाचा लगाने के बराबर है जो इससे पहले तमाम तरह की दलीलें पेश कर रहे थे, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जनधन से कोई लाभ नहीं है, फलाना नहीं है। तो ऐसे के मुंह पे तमाचा, जो लोग मोदी सरकार की जनधन बैंक खाते, राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ने, प्रत्यक्ष नगदी हस्तांतरण जैसी योजनाओं का निजता के हनन के नाम पर विरोध कर रहे थे, उन्हें आज यह बताना चाहिए कि यदि ये उपाय न किए गए होते तो कोरोना आपदा के समय करोड़ों लोगों के बैंक खातों तक तुरंत मदद कैसे पहुँच पाती। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 21 दिन के लॉकडाउन के बाद एक और जहां उप महानगरों से कामगारों का पलायन शुरू हो गया, तो दूसरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल 27.50 लाख मनरेगा श्रमिकों के खातों में 611 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित कर दी।
इसी की तरह केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, जिसमें राशन कार्ड धारकों, उज्ज्वला लाभार्थियों, महिला जनधन खाता धारकों, बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों, किसानों को त्वरित राहत पहुंचाई गई। इससे देश की बहुसंख्यक आबादी लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से बच गई और उनमें महानगरों के कामगारों की भांति अफरा तफरी नहीं मची। प्रवासी कामगारों में अफरा तफरी मची तो इसी कारण कि सरकार के पास उनका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। यदि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने जैसे उपाय पूरे कर लिए गए होते तो इन मजदूरों तक भी तुरंत नकद और खाद्यान्न सहायता पहुंचाई जा सकती थी। यदि मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत नकदी हस्तांतरण की बिचौलिया मुक्त व्यवस्था न की होती तो क्या इतनी बड़ी आबादी को तुरंत सहायता पहुँचा पाना संभव होता? हरगिज नहीं, क्योंकि देश में आपदा के समय से राहत सामग्री हड़पने और कल्याणकारी योजनाओं में बंदरबांट करने वालों की कमी नहीं है। भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों, ठेकेदारों की तकड़ी ने जन कल्याण के बजाय अपना घर भरने की प्राथमिकता दी है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का कथन प्रासंगिक है कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव तक 15 पैसा ही पहुँचता है, 25 पैसा बिचौलिए हड़प लेते हैं। यदि देश में गरीबी, बेकारी, असमानता, नक्सलवाद की जड़ तलाशी जाए तो वह इसी संगठित लूट में ही मिलेगी। बिचौलिया मुक्त व्यवस्था बनाने में की दिशा में मोदी सरकार का पहला ठोस कदम था कि सभी भारतीय का बैंक खाता, इसके लिए 2014 में जनधन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 38 करोड़ भारत बैंक खाते खोले गए। इन नए बैंक खातों में से 53% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए। विश्व बैंक ने इस मुहिम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इससे देश की करोड़ों महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से जुड़ने का मौका मिला। जनधन योजना के गाँव और शहरों के बीच की खाई को भी पाटने का काम किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत देश में जितने बैंक खाते खोले गए उसमें 58% ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में स्थित बैंक शाखाओं में खुले। इन सब का नतीजा यह हुआ कि आज 80% से अधिक बालिकाओं के पास बैंक खाता है, जबकि 2014 में अनुपात महज 50% था। पूरे देश में ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग, स्मार्टफोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हर स्तर पर कागज रहित प्रक्रिया को अपनाना था ताकि बिचौलियों को सत्ता खत्म हो जाए। कोरोना आपदा ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्ट्रार की प्रासंगिकता को एक बार फिर से उजागर कर दिया। यदि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जनसंख्या संबंधी प्रामाणिक डाटा बेस होता तो वे उसी आधार पर संक्रमण की जांच कर पाती और आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों तक तुरंत मदद पहुंचा देती। ठीक है, तो दोस्तों इसके माध्यम से आप उन लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं जो तमाम तरह की बातों का आलोचना कर रहे थे। अरे NPR क्या होगा, डिजिटल क्या करा रहे हैं, बायोमेट्रिक क्या करा रहे हैं, जनधन अकाउंट क्यों खुलवा रहे हैं। तो आज उन सब के सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।